क्यों लाखों तक पहुंच जाता है कोरोना के इलाज का खर्च, जानिए प्राइवेट अस्पतालों की कहानी। मरीज कोरोना से तो ठीक हो गया, लेकिन हॉस्पिटल का बिल देखकर जब ये कह दे कि मुझे जिंदा बचने का अफसोस हुआ, तो समझ लीजिए हालत किस हद तक बिगड़ चुके हैं। अमेरिका में पिछले दिनों कोरोना से ठीक हुए शख्स को अस्पताल ने 8 करोड़ से ज्यादा का बिल थमाया, जिसे देखकर उसने ये बात कही। अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। राजधानी दिल्ली में प्राइवेट अस्पताल में कोरोना इलाज का बिल 1 से 8.5 लाख तक पहुँच रहा है। उसमें भी हॉस्पिटल्स पर नजरअंदाजी, ठगने जैसे आरोप लग रहे हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की रेट लिस्ट भी सोशल मीडिया पे वायरल है, जो ये बताती है कि किस तरह से आपदा को अवसर में बदला जाता है। प्राइवेट अस्पतालों पे लग रहे तमाम आरोपों के बीच हमने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर बिल का मीटर इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है। जो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जीडीए है, नर्सिंग स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, फ्लोर मैनेजर्स हैं, एक्सरे टेक्नीशियंस हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, इन सबको फुल पीपीई किट पहननी पड़ती है और ये सिंगल यूज होती है, डिस्पोजेबल होती है, इसका रीयूज नहीं कर सकते हैं। इवन यहाँ पे N95 का जो मास्क है उनका भी रीयूज नहीं होता, तो इन कंज्यूमेबल्स की कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाती है, जिससे ट्रीटमेंट महंगा हो जाता है। और इसके अतिरिक्त बात करें तो बिकॉज मैन पावर की आवश्यकता अधिक होती है, प्लस मैन पावर का रिस्क बढ़ जाता है, तो इसलिए उनको सैलरी और रिन्यूमरेशन कुछ एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है ट्रीटमेंट की, जो फिक्स कॉस्ट है, वो बढ़ जाती है। कुछ हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल खास करके जो दिल्ली और मुंबई और बड़े शहरों में हैं, उन लोगों ने COVID-19 पैंडेमिक के दौरान अपने इलाज के कुछ बड़े बड़े पैकेजेस निकाले हैं, जो बिल्कुल ही कॉमर्शियलाइजेशन है हेल्थ केयर सर्विसेज का, ऐसा नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल्स ऐसा भी दावा करते हैं कि उन्हें पहले से ज्यादा लोग काम पे लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना वार्ड में ड्यूटी 6 घंटे से ज्यादा कर पाना मुश्किल है, वहीं आम शिफ्ट 8 घंटे की होती है। इस वजह से हॉस्पिटल 25% ज्यादा स्टाफ को काम पर रखने को मजबूर है। अब स्टाफ काम पर आएगा तो उसका सैलरी का इंतजाम भी देखना होगा, जिसका बोझ किसी न किसी पे तो पड़ना तय मानिए। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल की एक गैर सरकारी बॉडी फिक्की हेल्थ सर्विस कमेटी इस बात पर राजी है कि सरकार रेट फिक्स कर दे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद गृह मंत्रालय एक्शन में आया। गृह मंत्री अमित शाह ने नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया, जिसने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है, जिसके बाद कोरोना का इलाज का खर्च 2/3 कम हो जाएगा। लेकिन इसमें डर ये भी है कि कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज में लापरवाही ना करने लगे। इससे क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने कैपिंग करी है वो सिर्फ रूम रेंट पे है, जिसके अंदर नर्सिंग और जूनियर डॉक्टर्स के चार्जेस होते हैं, डाइट के चार्जेस होते हैं, प्लस पीपीई किट के चार्जेस सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त जो लैब टेस्ट हैं, रेडियोलॉजिकल टेस्ट हैं, सीटी स्कैन हुआ, एक्सरे हुआ, ईसीजी हुआ, या अन्य कोई जांचें हैं, अन्य डॉक्टर्स विजिट्स हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इसलिए चूँकि जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है डॉक्टर्स की विजिट्स पे, लैब टेस्ट पे, रेडियोलॉजिकल टेस्ट पे, और जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन कंज्यूमेबल चल रहे हैं उन पे, तो मेडिसिन और कंज्यूमेबल भी इस पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है। तो इसलिए बिकॉज ये वेरिएबल कॉस्ट है, इस पे कोई कैपिंग नहीं की गई है, तो इसलिए क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ देश में कोरोना के मामले 4 लाख तक पहुँच चुके हैं, वहाँ देखना ये होगा कि सरकार ऐसी हालत में प्राइवेट अस्पतालों को मनमानी करने से कैसे रोक पाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार करिए खबरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का, क्योंकि यहाँ हम रखते हैं हर खबर पे पैनी नजर। नमस्कार।